अच्छा खड़ा कहाँ है आईपीएल इस वक्त? निकलना हैदराबाद निकल गया प्लेऑफ में, चेन्नई निकल जाएगा, और मुझे लगता है ये 1-2 में भी यही दोनों रहेंगे। पंजाब तो पता नहीं, क्रिस गेल वो मजाक सहवाग ने कर दिया था ना कि मैंने 2-3 मैच जिताने के लिए क्रिस गेल को रखा, वो 2-3 मैच जिताए उन्होंने, उसके बाद वो वापस, उसके बाद से पता नहीं क्रिस गेल किस गेयर में खेल रहे हैं। वो जब से वो शायद फिशिंग करने गए, मच्छी पकड़ने गए, वो वापस क्रिकेट के माइंडसेट में वापस ही नहीं उतर पाए। बट हो सकता है जब अब वाले मुकाबलों में किसी एक दिन, फिर 2 दिन 3 दिन, क्योंकि केएल राहुल के अलावा उस टीम में बाकी खिलाड़ी सपोर्ट नहीं कर रहे। और शुरुआत में जिस तरीके, जिस अंदाज से करुण नायर भी बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बड़ी मजबूत टीम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्रिकेट से एक हफ्ता विक्रांत भाई थोड़ा सा दूर हो जाते हैं ना, वो मोमेंटम पकड़ना बड़ा जरूरी है, और T20 फॉर्मेट में तो और जरूरी है, आप हल्का सा मोमेंटम लूज करते हैं। मुझे तो अब ये लगता है, मुझे तो अब ये लगता है कि एरन फिंच, डेविड मिलर और युवराज सिंह अगर बाहर बैठे हैं, या तो आपकी टीम बहुत शानदार बैटिंग है, या फिर इन तीनों में से 2 का खेलना बड़ा लाजमी है। अब मैं मानता हूं, आप वाकई में मानता हूं, जो आप उस दिन भी कह रहे थे, अक्षदीप नाथ को खिलाने की बजाय आप युवराज सिंह को खिलाओ, उनको 5 नंबर पर बैटिंग करा दो, और आप मिलर और फिंच में से एक को जरूर खिलाएं। आपके पास तजुर्बा है, अनुभव है, आपको पता है ये खिलाड़ियों ने पास्ट में किया हुआ है, किस तरीके से दबाव को झेलना है। युवराज सिंह ठीक है, आज बल्ला नहीं चल रहा, पर ऐसा नहीं है कि वो खिलाड़ी खराब है, उसने जितने भारत को मैच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जिताए हैं, वो वापसी एक एक इनिंग 2 हिटे, ऐसे बड़े प्लेयर को 2 हिटे लग जाए, कॉन्फिडेंस की बात। कम से कम सामने वाले को ये तो होता है ना कि उसने आना है, आना है, आना है, वो तो बना रहता है। करेक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं, उसके जोन में कोई स्ट्राइकिंग जोन में बॉल गिरी वो बाहर मारेगा, और वो 2 हिट दूर है वापस फॉर्म में आने के लिए। मैं मानता हूं आपके पास जब अनुभव है, मैच विनर है, तो आप उनको जरूर 11 में खिलाइए। मुंबई या कोलकाता आज? मैं मानता हूं मुंबई, मुंबई। हाँ, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं मध्यक्रम में ऐसा लग नहीं रहा। पिछले मैच में रॉबिन उत्तमा ने 54 रन बनाए थे, फिर भी मुंबई से हार गए थे, उनको लगातार जीता हुआ मैच आ रहे थे, जीता हुआ मैच आ, कहीं ना कहीं वो लगातार आई थिंक मोमेंटम लूज कर रहे हैं क्या। लेकिन मुंबई के लिए पहले बैटिंग कर रहे हैं, चुनौती वो 12 ओवर स्पिन के खेलने की है। सही बात है, पीयूष चावला माना सुनील नारायण का भी इस्तेमाल सही नहीं कर रहा है कोलकाता, उनका जो एक रोल था वो पिंच हिटर के तौर पर ऊपर आकर रन बना लेते हैं, पता नहीं नीचे आके वो क्या करेंगे। खैर ये तमाम बातें जो है, यहां पर तो वक्त ही कम है निखिल, क्या करें, बहुत बहुत इजाजत।